हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल JBC। और आज हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि दो ये बैलून्स है, इनमें क्या है, एयर भरा हुआ है और इसमें वाटर है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले क्या है कि हम लोग ये कैंडल है, कैंडल को जलाए हुए हैं। पहले एक बैलून जो एयर वाला है इस पर टच करेंगे, फिर देखेंगे होता क्या है, ठीक है। ये हवा चल रही है थोड़ा सा, चले तो देख रहे हैं एक बैलून जो है फूट गया और ये लाइट भी बंद हो गई है, ठीक है। चलिए इसको फिर से जलाते हैं। बंद ना? नहीं, कदा बंद? बहुत अच्छे, पहले ही उठा तो सही होगा। चले स्टूडेंट्स, देखते हैं ये दूसरा वाला बैलून। उठे मत भाई, देखिए इतनी देर हो गई लेकिन अभी भी बैलून नहीं फूटा हुआ है। चलिए एक बार फिर से उसको लगाइए, उसको आप लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। तो देखा आपने कि जिसमें एयर था वो बैलून फूट गया और जिसमें वाटर है ये बैलून नहीं फूटा। इसका रीजन, मेन रीजन ये है कि इसमें जो वाटर भरा हुआ है इसके द्वारा जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे संवहन, ये संवहन की क्रिया इसमें होने लगती है। जो गर्म वाटर है वो क्या करता है कि ऊपर जाने लगता है और जो ठंडा वाटर है उसकी जगह पर आने लगता है, क्योंकि गर्म वाटर जो होता है क्या कहते हैं वो हल्का होता है, ठीक है। तो हल्की चीज़ ऊपर जाती है और जो भारी चीज़ है वो नीचे आने लगती है। जैसे हल्का वाटर जो है, हल्का पानी जो है ऊपर जाने लगता है और ये भारी जो पानी है, जो ठंडा पानी है वो नीचे आने लगता है, ठीक है। तो संवहन और चालन की क्रिया के द्वारा ये जो बैलून है फूटा नहीं और बाकी दोनों जो बैलून थे वो फूट गए, ठीक है। तो बस इतना एक्सपेरिमेंट था आज का।